विश्व के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म वाला गोरखपुर रेलवे स्टेशन नए साल में न केवल नए रंग बल्कि भव्यता के साथ बदले क्लेवर में नजर आएगा। मुख्य बात यह है कि भारतीय रेल का मूल रंग रेलवे स्टेशन पर बरकरार रहेगा। दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म वाले गोरखपुर रेलवे स्टेशन को नया रूप देने का काम शुरू हो गया है। रंग चढ़ने के बाद स्टेशन का भवन जहां लोगों को आकर्षित कर रहा है, वहीं अपूर्वा की बिल्डिंग ध्वस्त होते ही इसकी भव्यता नजर आने लगी है। फूलों के क्यारी के साथ चमकदार लाइट लग रही है तो पश्चिमी छोर पर फव्वारा तैयार हो चुका है। गेट नंबर 4 और 5 पर सेल्फी पॉइंट का काम चल रहा है। हरियाली के लिए लॉन और मुख्य गेट पर चिल्ड्रन पार्क बन रहा है, जिसके संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया। रेलवे स्टेशन प्लेटफार्मों पर बार काम चला, तेजी से काम चला, कितने काम हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है? रेलवे गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जैसा कि आप सबको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है हमारे पास। लगातार गोरखपुर रेलवे स्टेशन की भव्यता को बढ़ाने के लिए रेलवे कार्य कर रही है, जिसमें अभी हैंगिंग फूड प्लाजा बन के तैयार हो गया है हमारा। फूड प्लाजा नहीं, वेटिंग हॉल कहेंगे, फूड प्लाजा भी बनना है, उसी का एक आगे का पार्ट है। और जो फ्रंट गेट है उसके साइड में डिवाइडर के साथ आने जाने के लिए अलग डिमार्केटेड रोड बनाई जा रही है, जिससे पिक एंड ड्रॉप में कोई समस्या ना हो। इसके अलावा फसाद जो है, जो गोरखपुर स्टेशन का फ्रंटेज है, उस पर पुट्टी वगैरह लगाया जा रहा है। उस जो विंडोज़ हैं उनको चेंज किया जा रहा है। कुल मिला जुला के गोरखपुर का एक नया लुक आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जिसमें फव्वारे, पार्क और ये सारी चीज़ों का भी प्रोविज़न किया गया है। पर्यटकों के लिए, पर्यटक भी आते हैं, काफ़ी पर्यटक आते हैं, उनके लिए भी की अलग से कोई व्यवस्था है? बिल्कुल, उनके लिए एक तो यात्री मित्र की सुविधा है कि अगर उनको कोई भी जानकारी चाहिए या किसी भी प्रकार का उनको सहायता चाहिए तो उसके लिए यात्री मित्र का काउंटर लगातार 24 घंटे ओपन रहता है। इसके अलावा जो गोरखपुर का लोकल टेराकोटा है, उसकी एक वॉल बनाई गई है, डिस्प्ले वॉल, आपने देखा होगा कि जो VIP एंट्री साइड में जो पोर्टिको है उसके साइड में एक ग्लास गैलरी बनाई गई है, जिसमें टेराकोटा से निर्मित वस्तुओं को डिस्प्ले में रखा गया है। तो इस प्रकार से जो भी यहाँ की चीज़ें हैं उनको पर्यटकों के लिए रखा जाएगा, कहीं ना कहीं फ़ोटो के फॉर्मेट में या जैसे भी है, जिससे आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी और उनको एक गर्व का अनुभव भी होगा कि गोरखपुर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तेजू जानकारी के लिए LED TV लगाएंगे, LED स्क्रीन लगाएंगे बड़े बड़े, तो और उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी? अभी तो जो भी, अब जैसे अपने गोरखपुर स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे RDN रेल डिस्प्ले नेटवर्क्स लगाए गए हैं, ढेर सारी संख्या में लगाए गए हैं और उसकी रीच मेरे ख्याल से हर जगह तक है, ठीक ठाक संख्या उसकी लगी हुई है। अगर आवश्यकता महसूस होती है तो निश्चित रूप से उसको बढ़ाया जाएगा।